हेलो फ्रेंड्स, वाजपेयी जी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाया छुहारे का खीर, जो बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनती है। आप इस तरह की तरीका से बना के ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। सबसे पहले छुहारा को मैंने धो लिया, धो के इसे पानी में भिगो के 3 से 4 घंटा छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटा छोड़ेंगे, देख लीजिएगा कैसे फूलता है। इसे फुला के मैंने छोड़ दिया था, देखिए। उसके बाद ये इसे कट कर लेंगे। जब फूल जाएगा तो अच्छे से कट जाता है। फिर मैंने इसे निकाला। इस तरह से बनाइएगा फ्रेंड्स, तो बहुत टेस्टी लगता है। इसका मज़ा कुछ और है, इसे कट करके बना के खाने में। देखिए, सारे को मैंने काट लिए हैं। आप इसे छोटा छोटा पीसेज में भी कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे ही बहुत पसंद है, मेरे परिवार को, सारे लोगों को। आप इस तरीका से बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए, दूध मेरा बॉयल हो चुका है। थोड़ा सा दूध गाढ़ा होने के बाद इसे डालेंगे। अब इसे धीमी आँच पर बनाएंगे। धीमी आँच पर बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनती है, क्योंकि ये पकना भी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा क्रंची रहेगा। देखिए, मैंने इसे बना लिया, धीमी आँच पे बनाया और देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी टेस्टी छुहारे की खीर, हेल्दी टेस्टी लाजवाब बनी है। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप इसे बना के ज़रूर खाइएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।